लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे एंड्रोमेट्रोसिस के साथ प्रेगनेंसी कैसे प्लान करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड्रोमेट्रोसिस महिलाओं के गर्भाशय से जुड़ी एक आम समस्या है। इस समस्या में एक विशेष तरह के टिश्यू जिनको एंड्रोमेट्रियल कहा जाता है, वह गर्भाशय के बाहर फैलने लगते हैं। इस समस्या में महिलाओं को पेट दर्द और पेट में ऐंठन की परेशानी होती है। इस दौरान महिलाओं का पेट दर्द इतना अधिक होता है कि उनको दैनिक कार्यों को करने में भी परेशानी होने लगती है। इस तरह की समस्या 40 से अधिक उम्र की महिलाओं में देखने को मिलती है। एंड्रोमेट्रोसिस की समस्या में गर्भधारण का तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी पीरियड्स की साइकिल को समझें। सबसे पहले प्रेगनेंसी के प्रयास के दौरान पीरियड्स साइकिल को समझना बेहद आवश्यक माना जाता है। अपनी पीरियड्स साइकिल के दिन और इसके लक्षणों पर भी नज़र बनाए रखें। ओवुलेशन के समय प्रेगनेंसी का प्रयास करने में गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। ओवुलेशन विंडो को समझें। ओवुलेशन का पता लगने के लिए आप बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस में बदलाव या ओवुलेशन प्रिडिक्टर किट का इस्तेमाल कर एंड्रोमेट्रोसिस में गर्भधारण का प्रयास कर सकते हैं। इससे महिलाएं गर्भधारण करने के सबसे फर्टिलाइज दिनों में प्रयास कर सकती हैं। डॉक्टर से एडवाइस लेना आपको बहुत ज़रूरी है। एंड्रोमेट्रोसिस के दौरान प्रेगनेंसी का प्रयास करने से पहले महिलाओं को किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनिक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इस समय महिलाओं की जांच करके उनकी सही समस्या की स्थिति को पहचानने में मदद मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर एंड्रोमेट्रोसिस के आधार पर आपको सही सलाह जैसे लाइफस्टाइल व डाइट में बदलाव करने के साथ इलाज के तरीके का सुझाव भी दे सकते हैं। लाइफस्टाइल में किन बदलावों को करें? एंड्रोमेट्रोसिस वाली महिलाओं को प्रजनन क्षमता बेहतर करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना बेहद आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आप लें पौष्टिक आहार। एंड्रोमेट्रोसिस वाली महिलाओं को अपने आहार में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, साबुत अनाज और हेल्दी फैट को शामिल करना चाहिए। डाइट में बदलाव कर महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बेहतर किया जा सकता है। इस पोषक तत्वों को एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होते हैं। रोजाना आप योगा या एक्सरसाइज करना जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम को लाइफस्टाइल में शामिल करने से हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है। इससे महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोन को बैलेंस करने में मदद मिलती है और प्रजनन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। अगला है तनाव को कम करें। आप स्ट्रेस है तो उसको कम करना जरूरी है। तनाव व ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से प्रजनन क्षमता पर निगेटिव असर पड़ सकता है। ध्यान, योग, गहरी सांसों वाले व्यायाम करने से स्ट्रेस और तनाव को दूर करने में मदद मिलती है। सिगरेट और शराब से बनाए दूरी। सिगरेट और शराब के उपयोग से महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही गर्भधारण में दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप इन दोनों चीज़ों से आपको दूरी बनाना जरूरी है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, ये शराब और सिगरेट को छोड़ देना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। आप टेंशन के लिए सिगरेट पीते हैं लेकिन उससे टेंशन दूर नहीं होता है। प्रजनन उपचार पर विचार करना जरूरी है।
यदि नेचुरली प्रेगनेंसी में समस्या आ रही है तो ऐसे में महिलाएं IUI या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF जैसे प्रजनन उपचार को अपना सकते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर के महिलाएं प्रेगनेंसी के इन विकल्पों का चुनाव कर सकती हैं। ये लास्ट की चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया है, पहले आप खुद ट्राई करें। अगर सपोज किसी कारणवश सक्सेस नहीं हो पाते हैं और ऐसी उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि आप हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन है सेक्सुअल वो परफेक्टली नहीं हो पा रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तब लास्ट का ऑप्शन बचता है, तो आप ये ऑप्शन भी आजमा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारी महिलाएं ऐसा भी कर रही हैं कि उनका हेल्थ खराब ना हो। अभी आप प्रेग्नेंट होंगी, आप बच्चा पैदा करेंगे, तो अगर सी सेक्शन हुआ तो आपका ऑपरेशन होगा, तो उसमें तकलीफ आपको होगा, इससे आपका फिगर खराब होगा, आपके लाइन आ जाएगा वगैरह। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, आज की यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को अवॉइड कर रही है और IVF की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो डिसाइड आपको करना है, आपको क्या करना है। मेरा काम है रास्ता बताने का, मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद।